इंदौर में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बात करें वर्तमान मौसम की तो फिलहाल अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते रात और दिन के तापमान में अंतर आ रहा है। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर HL खपेड़िया की माने तो हवा की दिशा में लगातार परिवर्तन होने के चलते भी तापमान इस तरह का निर्मित हो रहा है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चल रही है, जिसके कारण 13, 14, 15 तारीख से आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हुई थी और अरब सागर में बनने वाले कम दबाव के चलते महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तेज बारिश के आसार बने। वहीं 18 मई से गुजरात के लक्षद्वीप और आसपास के तटीय क्षेत्र में रेनफॉल होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें और हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। वहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन राजस्थान में अधिकतर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा अलर्ट की सूचना पहले से ही जारी कर रखे हैं। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर खपड़िया ने बताया कि 18 तारीख के बाद जैसे ही रेनफॉल होगा उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान में मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 35 और 36 डिग्री के आसपास बना हुआ, जो न्यूनतम तापक्रम है वो 24 और 25 डिग्री के आसपास बना हुआ तथा हवाओं की दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। अभी हमने देखा कि 13, 14, 15 तारीख को एक तूफान की स्थिति निर्मित हुई थी, वो अरब सागर में बनने वाले सक्रिय कम दबाव के कारण उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं तो अभी पिछले 2-3 दिन में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में बहुत बारिश हुई और ये जो ताऊ के तूफान है ये 18 तारीख को गुजरात के लक्षद्वीप और उसके आस पास के तटीय क्षेत्रों में इसके लैंडफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होगी और हवाओं की दिशा है वो 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और के कुछ हिस्सों में बारिश भी होगी और हवाओं की गति बहुत तेज होगी, लेकिन जो इसका असर है वो राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं पे अधिक बारिश हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, इसका असर असम में आएगा और असम में इसका असर आएगा तो असम के कुछ हिस्सों में बारिश होगी और आंधी तूफान आने की संभावना है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस तूफान से अलर्ट रहने की सूचनाएं पहले से जारी कर रखी है और ये तूफान आज 18 तारीख के बाद जैसे ही लैंडफॉल होगा और फिर इसकी जो गति और दिशा है दोनों कम होगी और मौसम आज से साफ होने की संभावना व्यक्त की जाती है। डॉक्टर HL खपेड़िया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, कृषि महाविद्यालय, इंदौर।